तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल लोडअप चैनल। एक बार फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम आए हैं दोस्तों बजाज की एजेंसी खंडेलवाल बजाज बिलासपुर में। तो यहाँ आपको विशाल रेंज देखने को मिलता है, सभी बजाज की सभी गाड़ियाँ आपको यहाँ अवेलेबल देखने को मिलती है। तो कोई भी अगर आप यहाँ बाइक देखना चाहते हैं तो खंडेलवाल बजाज में बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसका रिव्यू दोस्तों। तो अभी जो आप बाइक देख रहे हैं तो ये पल्सर की एकदम नई सीरीज आई है, पल्सर 250 सीरीज़ की, पल्सर 250 एफ के नाम से आपको बाइक देखने को मिल रही है। और इसके आपको दो कलर ऑप्शन अभी यहाँ अवेलेबल हैं और जितने कलर ऑप्शन आते हैं उसका मैं पूरा डिटेल में डिस्प्ले में डाल दूँगा। अभी जो आप कलर देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रे कलर और रेड कलर आप देख पा रहे हैं। तो क्या इसके स्पेसिफिकेशन और क्या फ़ीचर वगैरह हैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को पूरा तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। फ्रंट देख पा रहे हैं आप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प पहली बार है दोस्तों सीरीज़ में, जो डोमिनार में आती थी उसके बाद ये नई सीरीज़ जो आई है इसमें आ रही है। इसका जो लुक है दोस्तों लगभग आपको R15 जैसा दिखने को मिल रहा है फ्रंट जो इसका लुक है। और बात करेंगे इसके इंडिकेटर के बारे में, साइड इंडिकेटर के बारे में, तो इसमें आपको ये LED टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि काफ़ी थम्सअप है बजाज को। यहाँ आपको दिया गया है DRLs, यहाँ देख सकते हैं आप DRLs आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक वही 200 में जो सस्पेंशन देखने को मिलती है NS 200 में, वही सेम सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ दिया गया है रिफ्लेक्टर दोस्तों, यहाँ ABS की ब्रांडिंग दी गई है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़ा दिया गया है पहले से, बजाज इस चीज़ पर ध्यान दी है और काफ़ी अट्रेक्टिव लुक के साथ ये इसका फ्रंट मडगार्ड देख रहे हैं। यहाँ आपको कलर देखने को मिल रहा है स्टिकरिंग अलग से। बात करेंगे इसके टायर संख के बारे में, तो इसमें आपको MRF का टायर देखने को मिलता है 100/80 का 17 इंच अलॉय के साथ, इसमें आपको टायर देखने को मिल रहा है। और 280mm का इसमें आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डिस्क है जो सेम 200 NS में आती है ABS के साथ, देख सकते हैं आप ABS इसमें आपको दिया गया है, रिंग अलग से दिख रहा होगा। यहाँ दिया गया है रिफ्लेक्टर दोस्तों, और पहले जो बाइक आती थी मतलब अभी भी आती है NS सीरीज़, उसमें आपको बाईबार का कैलिबर दिया रहता है, बट इसमें अभी नया कंपनी चेंज कर दिया गया, कॉस्ट कटिंग की गई है, देख सकते हैं। यहाँ आपको देख सकते हैं ABS की ब्रांडिंग दी गई है और इस तरीके से यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसका रेडिएटर दोस्तों, जो कि काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, अलग से देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ दिया गया है आपको सिंगल हॉर्न आपको NS सीरीज़ में आती है और F सीरीज़ में आती है सिंगल हॉर्न। यहाँ आपको दिया गया है लेग गार्ड और ये हालांकि छोटा है बट बहुत प्रोटेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो इसमें बिल्ड क्वालिटी नहीं है, काफ़ी मजबूत रहती है दोस्तों, पर्सनली बता रहा हूँ। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इंजन काउल जो कि काफ़ी बड़ा सा दिया गया है और इसमें आपको कोई कलर वगैरह स्टिकरिंग वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, बाकी बहुत बड़ा सा ये आपको इंजन काउल देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको दिया गया है ऑक्सीजन सेंसर और कैटेलिटिक कन्वर्टर और इस तरीके से आप इसका ओवरऑल लुक देख पा रहे हैं। 250cc का इंजन है इसमें और पावर फिगर वगैरह मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा दोस्तों कि कितना ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है, कितना BHP का पावर जनरेट करती है, कितने RPM पर, उसके लिए आप स्क्रीन पर नज़र डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और चलिए बात करेंगे इसके और साइड लुक के बारे में, तो साइड लुक इसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। फ्रंट में बता दूँ इसका जो मिरर है दोस्तों, लगभग बजाज पहले S सीरीज़ लाती थी उसको बंद कर दिया गया है, बट उसके जगह हमें इसको लाया गया है मार्केट में। और इसका जो मिरर है काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आता है, लगभग R15 में जैसे आपको लुक देखने को मिलता है वैसे ही लुक आपको इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ दिया गया नंबर प्लेट के लिए स्पेस और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी इसमें प्रोवाइड किया गया है बजाज की तरफ से, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ आपको लोगो देखने को मिल जाता है बजाज का लोगो और यह है विंडशील्ड जो काफ़ी बड़ा सा आपको विंडशील्ड देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों साइड लुक की बात करेंगे, तो यहाँ आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ आपको स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ, देख सकते हैं आप। और यहाँ जो आपको सीट हाइट देखने को मिलता है 795mm का सीट हाइट देखने को मिलता है जो कि NS सीरीज से काफ़ी कम है और इसको आप नॉर्मल हाइट के हैं, एवरेज इंडियन हाइट है आपका तो बिल्कुल चला सकते हैं इस तरीके से। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है F250 का स्टिकर जो कि 250cc का इंजन, काफ़ी दमदार इंजन है दोस्तों। बात करेंगे इसके चैन वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको ओपन चैन सिस्टम देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके गियर के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको 5-speed गियर देखने को मिलते हैं, DTSI की यहाँ ब्रांडिंग दी गई है, देख सकते हैं बेजिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ है गियर शिफ्टर पैडल और ये है फुटरेस्ट दोस्तों, और ये साइड स्टैंड जिसमें सेंसर लगा हुआ है जैसे कि स्टैंड पर रहती है आजकल नॉर्मली सभी बाइक्स, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, वो सिस्टम दिया गया है। और यहाँ दिया गया है आपको साड़ी गार्ड जो
काफ़ी अच्छा बात है दोस्तों, पहले से दे दिया गया 8.5। बात करेंगे इसके टायर साइज़ के बारे में, तो वही सेम MRF का वही सेम टायर इसमें आपको देखने को मिलता है जो NS200 सीरीज़ में देखने को मिलती है। इसमें आपको MRF का 130/80 का 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ इसमें आपको टायर साइज़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको ग्रे कलर की अलॉय व्हील के साथ आपको ये स्टिकर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे पीछे के डिस्क ब्रेक के बारे में, तो इसमें आपको 230mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा दोस्तों, और अलॉय व्हील का कलर आप देख सकते हैं ग्रे कलर में ये आपको अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि NS125 में जो कलर आती है ना अलॉय व्हील की, वही कलर इसमें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ आपको दिया गया है बैक मडगार्ड, जो कि बारिश के समय बहुत ही अच्छा बात है और बारिश में बहुत बचाता है दोस्तों। अगर आप इसको खोल कर चलाते हैं तो फिर पीछे में जो बैठेगा उसका हो गया फिर, ठीक है। यहाँ दिया गया है आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस, यहाँ बैक आप साइड इंडिकेटर देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है नंबर प्लेट का लाइट देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यह नंबर प्लेट के लिए स्पेस। और पीछे का लुक थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, ये F सीरीज़ में थोड़ा सा ये चेंज है पीछे का जो लुक है, ये जो इसका लाइट है ना दोस्तों टेल लाइट, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया लुक को। और यहाँ इसका जो ग्रैब हैंडल है वो भी थोड़ा सा चेंज है, और NS के मुकाबले ये थोड़ी चौड़ी है, मतलब कि इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। NS के मुकाबले बहुत ही अलग है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत हैवी मतलब हाइटेड गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि हाइट को मिनिमाइज़ यहाँ से कर दिया गया है। यहाँ दिया गया है पल्सर का बेजिंग देख सकते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, छूने पे देख सकते हैं आप बहुत ही सॉफ्ट है। और इस तरीके से इसका टैंक में आपको पल्सर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, पहले बता दिया। और ये है फोल्डेबल फुटरेस्ट, तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। गियर शिफ्टर पेडल वगैरह सभी बता दिया मैं, और चलिए बात कर लेते हैं इसके टैंक वगैरह के बारे में। एक बार ओवरऑल मैं साइड लुक आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलती, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाती है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इंक्वायरीज रहती है तो डिस्क्रिप्शन पे खंडेलाल बजाज का मैं शोरूम का नंबर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके जो हैंडल है उसके बारे में, तो इसमें आपको क्लैप हैंडल देखने को मिलते हैं, जो कि सदियों से चली आ रही है पल्सर में। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों ये पासिंग वगैरह का स्विच, और वही अपर डिपर का स्विच, ये साइड इंडिकेटर का स्विच, और इसमें जो आपको मीटर देखने को मिलता है वो भी सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। हालांकि लुक इसका थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, आउटर शेप जो इसका पहले रहता था उसको हटा दिया गया है देख सकते हैं। की इसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, काफ़ी दमदार की दी गई है दोस्तों, पर्सनली बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वालिटी का की इसमें आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इंसर्ट कर देता हूँ की, यहाँ आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है, और इस तरीके से आपको ये डिस्क ब्रेक का सिस्टम, यहाँ ऑयल फिल होता है। कुछ नया फीचर दिया गया है दोस्तों यहाँ, अच्छा कुछ फीचर नहीं है, हालांकि यहाँ से चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, USB चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में ना मेरे को ऐसे बटन टाइप से लगा, तो इसको मैं पुश कर रहा था, बट देखा ना सिम्बॉल देखा तो पता चल गया कि इसमें चार्जिंग सॉकेट है देख सकते हैं। इस तरीके से आपको चार्जिंग यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से F250 की कहानी कंप्लीट होती है, और कुछ भी पॉइंट अगर छूटा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और यदि आप भी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना चाहते हैं तो बिल्कुल खंडेलवाल बजाज में आपका स्वागत है, और डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया है, जल्दी से जाइए वहाँ और फ़ोन मिलाइए। अगर आप भी किसी बाइक या कार का रिव्यू देखना चाहते हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे नहीं हो, बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।